एजाज अली साहब को पहले सबसे पहले सर बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मदर शी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें दावत दी और ये कितने अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका आपने फराहम किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि मोरालिटीज के हवाले से, सर जो मोरालिटीज है बेसिकली इसका हमने जो हमारा मोटो है कामयाबी और सुकून एक साथ, इसके हमने तीन इसके पैरामीटर्स हैं, लाइफ सक्सेस एंड पीस, कि जिंदगी आप किस तरह से कामयाबी जिंदगी में आप हासिल कर सकते हैं बगैर टेंशन के। नॉर्मली होता ही है कि जब हम कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत सारा अपना सुकून हम उसके लिए बर्बाद करते हैं। इसमें हमने इसके तीन हिस्से किए हैं। लाइफ में बेसिकली आप खुशगवार लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, इसमें हमारा एक टाइटल जो हमने रखा है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के ऊपर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये एंगर मैनेजमेंट है, जो गुस्सा है इसको हम क्यों हमारे अंदर इतना आ गया है आजकल और हमारी बर्दाश्त का लेवल कम होता जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस और टेंशन है ये बेसिक होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर से सुकून खत्म करने का काम करते हैं। उसके साथ फिर हमने जो सक्सेस है उसके अंदर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट है, सेल्फ डिस्कवरी है, कैरियर काउंसलिंग है, इंटरव्यू की तैयारी है। और जिस तरह से नॉर्मली आजकल कोई भी बच्चा तालीम हासिल करता है और जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चा होता है तो उनको एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमने आगे नौकरी करनी है। और जाहिर है कि नौकरियां तो लिमिटेड होती हैं, आबादी बहुत ज़्यादा होती है तो हर बंदा तो नौकरी नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने ये एक प्रोग्राम रखा है कि बिकम अ जॉब प्रोवाइडर नॉट अ जॉब सीकर। तो ये इस तरह से हमने इसके अंदर जो एक और चीज़ रखी है, जिस तरह से आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारा मोटापा का, तो मोटापे को भी हमने कोशिश किया है कि इसके अंदर लेके आए आपको अद्वियात। और जो बहुत ज्यादा हम मशक्कत करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और फिर तंग पड़ जाते हैं, तो लाइफ पैटर्न को इस तरह से कर लें कि हम उससे बगैर मेडिसिन के, बगैर आप जिम में आधा आधा एक एक घंटा वहां पे खपने के, आप अपने आप को रख सकें उसमें। जी बिल्कुल, ये जो कामयाबी और सुकून एक साथ आपने इसका मोटो रखा है बहुत अच्छा खूबसूरत मोटो है और मुझे भी बहुत इम्प्रेस करता है इस, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इस तरह के जो हमारे अदारे हैं इस वक्त आपको उकाड़ा में तो बहुत ही कम नजर आते हैं और लेकिन लाहौर में कुछ ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर किसी ने आके आपका लेक्चर सुनना हो या किसी ने जो है आपसे कोई गाइडलाइन लेनी हो तो क्या उसके जेब में पैसे होना जरूरी है? देखें मदर साहब, ये लाहौर में तो काफी ज्यादा ठंड है, बड़े शहरों में हमारे मुल्क में जरा ये काफी कुछ सालों से शुरू हुआ है। बेसिकली मैंने पहले लाहौर में किया है, कुछ इस्लामाबाद में भी सेशन किए हैं। उकाड़ा के अंदर ये पहला ही लाइफ कोचिंग सेंटर है जो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट लिया है। तो अभी इसके लिए कोई लोगों को थोड़ा जाहिर है कि बताने की जरूरत है, आम बंदा तो इसको नहीं समझता। जैसे अब हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ की हम बात करते हैं तो आम रूटीन में हम ये समझ रहे होते हैं कि मैं अगर तंदुरुस्त हूँ तो लिहाजा मुझे कोई मसला नहीं है। हम तब इस बारे में सोचते हैं जब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और जाहिर है कि जब एक बीमारी इन्वॉल्व लग जाती है और उसके ऊपर जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अब वो मेडिसिन तो पूरी जिंदगी के लिए उसके साथ लग गई है जी। या किसी का कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो वो मेडिसिन तो पूरी जिंदगी चलेंगी। हम नॉर्मली जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं तब हम इसके बारे में सोचते हैं और फिर हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। और फिर जाहिर है कि जिस घर में अल्लाह ताला माफ फरमाए एक सिलसिला शुरू हो जाता है बीमारी का और फिर मुसलसल आप इन चीजों से, मेडिसिन से बच नहीं सकते। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो हमने वो ये रखा है कि अपना लाइफ पैटर्न हम इस तरह से कर लें। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होते हैं, जब हम नेचर के खिलाफ होना शुरू होते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल आजकल है, चाहे वो खाने पीने का अंदाज हो, चाहे वो काम करने का अंदाज हो, इवन सोने का हमारा जो तरीका कार है, वो सारे हमने उलट कर दिए हैं अपने मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर। तो इस वजह से सारी डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं। तो इसके अंदर हमने दो तरह के प्रोग्राम रखे हैं। एक तो हम सेशन रख रहे हैं, सेशन में कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख रहे हैं और वन ऑन वन सेशन भी रख रहे हैं।
नॉर्मली इसको भी हम काम कर रहे हैं, वन ऑन वन सेशन के अंदर ये रखा हुआ है कि जो फ्राइडे को जितने भी सेशन होंगे एवरी फ्राइडे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बंदा आके जस्ट अपॉइंटमेंट लेके टाइम अपना कंफर्म करके वो आ जाए, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और जो नॉर्मल डेज में हम रख रहे हैं वो भी बड़े हमने नॉमिनल से रखे हैं, सिर्फ इतने से रखे हैं कि वो जो एक इदारा है वो अपने आप को थोड़ा मतलब रन कर सके, हमारे ऊपर बर्डन ना बने या किसी के ऊपर भी बर्डन ना बने, सिर्फ वो नॉमिनल से हमने रखे हुए हैं। बाकी वो फ्री अवेल करना चाहे वो हमारे सेशन जिस तरह से ही लाइब्रेरी में भी हम करते हैं, बाकी जगह पे भी कर रहे हैं और आगे इसको मजीद बढ़ाएंगे, अभी तो हमने स्टार्ट लिया इसका तो। जी सर, एक ये कि जैसे आजकल सोशल मीडिया है और वेबसाइट्स और ये वो, क्या ऐसी कोई आपने वेबसाइट भी कोई लॉन्च की है या कोई सोशल मीडिया पर अपना कोई ऐसा पेज बनाया है जिसको फौरी तौर पे लाइक किया जाए या उसे वहां से लिंक से हम जो है वो कुछ कॉपी करके हम कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ सेव करना चाहता है कोई तालिबे इल्म और या कोई सुनने वाला उसको फौरी तौर पर नहीं सुन सकता, कोई ऐसा है आपने कोई बनाया वेब पेज? जी मैं सब अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर इसको थोड़ा हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इंशाल्लाह उसका हम यूट्यूब पे भी चैनल एक लॉन्च कर देंगे और फेसबुक के ऊपर भी पेज बन जाएगा। तो अभी क्योंकि हम इसको जरा इसके अलावा मतलब कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब हम स्टार्ट लेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इंशाल्लाह वो भी मोरालिटीज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। सर, टेंशन्स की आपने बात की और फिर कहा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत मुख्तलिफ होता है या हम जो फितरत के बरखिलाफ जाने लगते हैं तो हमारे जो है वो बीमारियां जो है वो हमारे हमें घेर लेती हैं, और क्या ऐसा कोई है ऐसा तरीका कि फितरत के खिलाफ आप नहीं भी जा रहे और आप बीमार हो जाएं और आप जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, कोई ऐसा आपके जहन में कोई ऐसा कोई अमल क्या आपने देखा हो कि जहां पे आपने लोग जो है कोई फितरत के खिलाफ ना गए हों लेकिन उसके बावजूद वो बीमारी का शिकार हो गए हों, कैसा है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब इंसान है अल्लाह ताला ने बनाया है तो बीमारियां भी आती हैं। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि रेशो हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है, इवन के हमारे जो यंग जनरेशन है वो उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो अभी उनके ऊपर होनी नहीं चाहिए। देखिये, एक बुखार हो जाना, छोटी मोटी बीमारियां, ये तो अल्टीमेटली होती रहती है, लेकिन वो लोग जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं और अपनी बैलेंस्ड डाइट लेते हैं उनकी अगर आप रेशो निकालेंगे तो वो बहुत कम निकलेगी उन लोगों की बनिस्बत जो इन चीजों से हट के अपने लाइफस्टाइल को नहीं अच्छा बना पाते, उनके अंदर बीमार होने की शरह बहुत ज्यादा है। और आपने देखा है कि हमारे मुल्क में तो बीमारी की रेशो वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई है, और उसमें यही असल में मसाइल है कि हम इस चीज को एक तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसके ऊपर अगर मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस में पिछले दिन में पढ़ा था, अभी ईद गुजरी है और जहां पे कुछ लोग इतना ज्यादा मतलब खाने की तरफ माइल हो जाते हैं कि हम दूसरों का ख्याल रखना तक भूल जाते हैं, वो एक मैंने इंस्टांस पढ़ा कि एक खातून अपने दो बच्चों से भूख की वजह से इतनी प्रॉब्लम में थी कि बच्चे रो रहे थे और उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, और उसने क्या कहा, तंग आकर उसने अपने बच्चों से कहा कि मैं आओ हम मिलके एक गेम खेलते हैं। गेम क्या थी कि हम अपने कमरे में जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, मैं पंखे के साथ लटकूंगी और जब मेरी आईज बंद हो जाएं तो फिर आपने दरवाजा खोल के दूसरों को बताना है और ये आपने देखना है कि मेरी आंखें कब बंद होती हैं। अब वो छोटे बच्चे जब उन्हें देखा उनकी माँ लटक जाती है पंखे के साथ, अब उन बच्चों को नहीं पता कि माँ हमारे साथ खेल रही है या क्या करने जा रही है, वो सुसाइड कर लेती है। और बच्चा एक कह रहा है कि नहीं अभी मम्मी की आंखें जो है ना वो थोड़ी खुली हैं, दूसरा कह रहा है नहीं बंद हो गई हैं। तो कुछ मिनट्स के बाद वो दरवाजा खोलते हैं और लोगों को बताते हैं कि जी हमारी मम्मी की आंखें बंद हो गई हैं, हम गेम खेल रहे हैं। सर, ये इंस्टांस पढ़ने के बाद महसूस हुआ अगर हम थोड़ा सा अपने देखें कि हमारे किचन के अंदर कितना एक्स्ट्रा खाना होता है, कितने खाने की जरूरत है और हम कितना खाते हैं और कितना तैयार करते हैं और उसके बाद फिर बाहर फेंका जाता है। सर, सबसे बड़ा मसला आज जो है अगर हम ये डाइट की बात करें तो ये हम जो फास्ट फूड है ये हमने एक फैशन बना लिया है, कभी कभार तो ठीक है लेकिन हमने इसको इतना अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कर लिया है कि रेडीमेड चीज मिल जाती है, ऑर्डर करो और मंगवा लो। आप ये कह लें कि आप एक साफ सुथरे माहौल से ज्यादा पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं,
अब ये वो चंद दोस्त जो हमारे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो शायद इनको बुरा समझें। हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो बंद करके चले जाएं, हम ये कह रहे हैं कि जरा हम अपनी लाइफ में इस चीज का बैलेंस रख लें। और जो नेचुरल डाइट्स हैं, हम क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि नेचुरल डाइट्स क्या होती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सादा जितनी खुराक आप लेंगे उतनी ज्यादा आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी बड़ी जरूरी होती है जी। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि जरूरी जिम ही आपने ज्वाइन करना है जी। या आपने इतनी हेक्टिक एक्सरसाइज करनी है कि आप जनाब दो दिन के बाद तंग पड़ जाएंगे कि ये तो नहीं होने वाला, लिहाजा छोड़ दें जी। ये भी एक बड़ा मसला होता है जी। तो ये डाइट एक एलिमेंट आता है। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ में जब हम बात करते हैं तो इसके नॉर्मली 4 से 5 फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1 डाइट आ गया, उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं जो हमें स्ट्रेस में लेके जाते हैं, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उसके बाद मेंटल इश्यूज हैं। मेंटल इश्यूज जो होते हैं इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाइल हमारे मेंटल जो फैक्टर है इससे होते हैं। जब हमारी सोच नेगेटिव होती है तो आपकी सारी डिसीजनिंग नेगेटिव हो जाती है, और जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तब आपके हर चीज सही होना शुरू हो जाती है, फैसले सही करना शुरू कर देते हैं। तो मेंटल के बाद इसमें एक जिस तरह से नींद का पूरा होना बड़ा जरूरी है। और हमने इतना ज्यादा नेचर एंगेज चले गए हैं कि हम रात 12-1 बजे तक सोते नहीं है और सुबह 11-12 बजे तक उठते नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा मसला स्टोमिक के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। सामिन इकराम, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 105.4 मोहम्मद मजर शी चौधरी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं इजाज अली साहब, कालम नगार हैं, मोटिवेटर हैं और एक मोरालिटीज के नाम से एक अदारा चला रहे हैं, और इसी हवाले से वो बात भी कर रहे हैं। आज मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि सर ये जो आपने बात की कि नफसियाती हवाले से अगर बात की जाए तो नफसियाती बीमारियों का जो सबसे बड़ा सबब है, वो आपने बयान भी कर दिया अगले जुमले में ही कि जो है हमारी फितरत के खिलाफ भी, और रात गए हमने सोना है और सुबह जो है बहुत लेट उठना है। लेकिन आप ये देखें कि इसकी जो वजूहात में अगर मैं जिक्र, क्योंकि आपने उससे पहले किया, तो नफसियाती बीमारियों में कोई और भी तो असबाब पैदा हो सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल हमारा स्टाइल कुछ ऐसा बन गया है कि हमने जो है हर काम जो है वो रात शाम ढले शुरू करना होता है, और फिर वो रात गए तक जो है 1-2 बजे तक जो है वो मामूल बना लिया, फिर सुबह के टाइम हमने उठना नहीं जल्दी, तो जिसकी वजह से जो है वो आधा दिन तो हम जाया कर बैठते हैं, और जब दिन जाया हो जाता है तो फिर हमारे बहुत सारे काम भी रह जाते हैं, और फिर हम बड़ी उजलत का शिकार होते हैं जल्दी जल्द जल्द, क्योंकि तमाम दफातर तमाम अदारे जितने भी हैं तो वो सारे के सारे तो दिन के टाइम उनकी टाइमिंग होती है, तो फिर हम वो 1-1.5 घंटे के अंदर वो भागम भगैया करते हैं, और इसी भागम में हम बार दफा जो रोड पर हम अपनी गाड़ी चला लेते हैं और उसकी वजह से हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा कि क्या इसके लिए पूरे माशरे को तब्दील करने की जरूरत है, या हम जो है वो हर बंदा अपनी अपनी जगह पर सोचे कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं ये हटकर है, फितरत से हटकर है और इसको तब्दील करना है, और अगर वो नहीं तब्दील कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, इसकी क्या वजूहत है, क्या वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तो रात को कौन सा ऐसा पैसा कमाया जा सकता है रात को देर तक सोने के। जी चो साहब, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि जो नफसियाती मसाइल शुरू होते हैं ना उसकी 2 वजूहत मेजर होती हैं, टेंशन जिसको हम कहते हैं और दूसरा होता है एंजाइटी। पहली बात हमें ये देखने की जरूरत है कि ये स्ट्रेस का बायस ये 2 फैक्टर होते हैं। टेंशन जो होता है ये एक ऐसी चीज होती है जिसका आपको पता होता है कि ये किस वजह से, जैसे कोई नुकसान हो गया, कोई किसी के साथ कंपैरिजन, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं जी। दूसरों के साथ जब हम वादना शुरू कर देते हैं जी। कि वो बंदा ये कर रहा है तो मैं पीछे क्यों। तीसरा फिर ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आप अपने आप, जो आपने बात की कि मुआशरा ठीक करने की जरूरत है या हम खुद ठीक हो जाते हैं जी। तीसरी चीज जो हम बात करें ना एंग्जाइटी, ये एक ऐसी चीज होती है कि बार दफा आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पता नहीं होता कि मैं क्यों इस सिचुएशन में हूँ जी। आप मतलब इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि टेंस भी हैं और पता भी नहीं, जैसे आम लोगों से आप पूछेंगे क्यों परेशान है, कहते हैं जी पता नहीं बस हूं। तो इसका तल्लक हमारे एक माइंड से भी है, सोल, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 चीजों से बनाया है जी। एक बॉडी है, दूसरी रूह है जी।
हमारी जितनी प्लानिंग है, जितनी हम आसाइशों की बात कर रहे हैं, जितना हम डाइट का ख्याल रख रहे हैं, इसका सारा तल्लक हमारी बॉडी से है। लेकिन जो सुकून का तल्लक है ना, वो हमारी रूह से है जी। उसकी एक अपनी डाइट है जी। उसकी डाइट क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि बॉडी को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और बॉडी की जितनी खुराक है, जितनी गजा है, वो भी मिट्टी से है जी। चाहे वो साइशे भी उनकी आप देखेंगे इब्तदा मिट्टी से ही होगी जी। इस तरह से जो रूह है उसका, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है जी, और उसकी गजा हर अच्छाई है जी। वो अल्लाह का जिक्र भी हो सकता है, वो इंसानों की खिदमत भी हो सकता है, किसी के साथ कोई नेकी भी है जी। तो ये दोनों चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आ जाते हैं बॉडी के ऊपर जी। सामीन इकराम, आप बिल्कुल ना झिझकें और फौरी तौर पे आप कॉल कर सकते हैं। एजाज अली साहब आपके सवालों के जवाब भी देंगे। 0442521105 जी, 0442521105 बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। और आज जो हम मोरालिटीज के हवाले से जो बात कर रहे हैं जनाब एजाज अली साहब से, इसके अलावा वो जिंदगी के अंदाज जो हैं, जो हमारे जो हमने नए अख्तियार कर लिए हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हमने हकीकत में जो है असल मौजू की तरफ आना है, तालीम और इलम की तरफ, लेकिन क्योंकि इस वक्त क्योंकि वो इसके फाउंडर हैं मोरालिटीज के, और मैं चाह रहा था कि मेरे सामईन यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो जान सकें ये मोरालिटीज क्या चीज है और इसके अंदर किन किन बातों को डिस्कस किया जाता है और इसमें किस तरह की बातें होती हैं और इनसे जो है कौन कौन जो है वो मुस्तफीद होता है। बिल्कुल आप सब मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की है एजाज अली साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये बचपन जो है कम अज कम 10 साल का बच्चा भी जो है इसको सुन सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो तब्दील कर सकता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया और फिर इसके साथ साथ हर वक्त जो है वो चिपके रहना मोबाइल के साथ और आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के जो सोशल मीडिया के आपके अकाउंट्स बने हुए हैं उन पर आपने एक्टिव रहना होता है, तो उससे आपका जो स्टाइल है वो बिल्कुल आपको मुतासर करता है, आपकी जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है और हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमें जो है आज एजाज साहब से जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं और आप भी बिल्कुल सुनते भी रहिए उन्हें और उनको आप सवाल करके अपने जहन में उठने वाले जो भी आपके यहाँ जो आपके जहन में सवाल उठता है उसका आप वो जवाब पा सकते हैं, उनको बिल्कुल वो आपके कॉल का जो है वो जवाब देंगे जी। एजाज साहब जी, हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो इसके हमने बताया कि दो एलिमेंट है, टेंशन है और एंजाइटी है। पहले हम टेंशन तरफ आ जाते हैं कि वो चीज जिसका हमें पता होता है जी, और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल टेंशन बेसिकली, अगर वैसे तो कई फैक्टर्स हैं, मेजर मैं इसके तीन आपसे शेयर कर लेता हूं। नंबर वन पे आ जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जी, कि वो ऐसी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है जी, और आपने सब्र नहीं किया और आप टेंशन में आ गए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉकेज है, अब ट्रैफिक ब्लॉकेज को खत्म करना आपके कंट्रोल में तो नहीं है जी। अब हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं, ये मामूल है, कोई बंदा गलत आ रहा है, कोई सीधा आ रहा है, और इतनी तो हमें इस शोर की तो खैर एक लाग इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं जी। तो उसके अंदर कुछ लोग, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि जब हम रोड के ऊपर आते हैं तो हर बंदा बहुत जल्दी में होता है जी। और उसको कहीं ट्रैफिक ब्लॉकेज नजर आती है तो वो अंदर ही अंदर कूदना शुरू हो जाता है जी। अब ये एक बेसिक फैक्टर आ रहा होता है कि हमारा अंदर जो, क्योंकि सब्र का आंसर कम है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है हमें जी, कि इन अल्लाह मसाबरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और हम सब्र के एलिमेंट जब अपनी जिंदगी से निकाल रहे होते हैं तो एक तो ये हमारा फैक्टर खाम खाम टेंशन में आ जाते हैं और फिर उसके ऊपर गलत बिहेव भी करते हैं, कुछ दिल में कह रहे होते हैं, कुछ जबान से कह रहे होते हैं। अब उसका क्या है कि बार दफा हम हमेशा से कुछ दूसरा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आगे हमारे जा रहा है और वो बिल्कुल स्लो है जी, और हमें उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ये रास्ता ब्लॉक करके क्यों ऐसा जा रहा है, और थोड़ी देर में अगर पता चले कि वो माजूर है जी, तो फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। क्या मतलब, रिलैक्स होने के लिए किसी दूसरे का कोई ना कोई मजदूर होना जरूरी है। हम खुद से मतलब अगर माइंड सेट अपना कर लें कि यार अगर एक बंदा रोड पे जो भी आ रहा है, जब मैं जल्दी में हूं और हर बंदा कितनी जल्दी में है जी, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी उस बेचारे की, कोई ना कोई इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे एक मोटरसाइकिल वाला है और उस मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल बंद होगी किसी भी वजह से जी, तो हम जनाब पीछे से हॉर्न दिए जाएंगे और वो बेचारा
उससे और परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या। उससे क्या हो रहा है कि उसको भी आप टेंशन में दे रहे हैं और खुद भी आ रहे हैं। तो इसका हल ये है कि हम अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल होके अपने मुआशरे के अंदाज को देखते हुए कि यहाँ पे स्टाइल क्या है, हम थोड़ा सा उसके मुताबिक चलना शुरू करते हैं और जिंदगी में सब्र लेके आ जाए। तो इस फैक्टर से हम निकलेंगे। दूसरा जो एलिमेंट टेंशन या स्ट्रेस का आता है वो ये होता है कि हम कंपेरिजन बहुत करते हैं जी। जैसे मेरे पास एक कल्टस गाड़ी है जी। मेरे हमसाये के पास भी कल्टस है लेकिन वो होंडा सिटी लेके आ गया। अब उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया जी। या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन जी। मैं इस चीज के ऊपर आ गया हूं कि जी ये अब होंडा लेके आ गया तो मेरे पास ही ये सुजुकी क्यों है जी। तो हम इस चीज में आके टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और उसके ये अपनी सिर्फ फ्रेंचाइजी की बात नहीं है, अपनी फैमिली में आप देख लें, रूटीन लाइफ में देख लें, हमारे ऑफिस में इवन देख लें जी। और ऑफिस की बात कर लें कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं या तीन लोग काम कर रहे हैं, एक सैलरी उनकी सेम है और एक बंदा एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि साल के बाद उसका जो सैलरी राइज होनी है या इंक्रीमेंट आना है वो 4,000 होना है। अब उसकी सैलरी 4,500 रुपया हो जाता है, 4,500 रुपया हो जाता है जी। तो वो अब बहुत खुश है लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि जो मेरा जूनियर है जी। उसकी 5,000 राइज हो गई है सैलरी। अब उस बेचारे ने उसका कोई नुकसान ही किया से। उसकी तो एक अपनी किस्मत है, अपनी एक एफर्ट है जी। सिर्फ मसला क्या है कि वो जूनियर है और उसकी लिहाजा मेरी 4,500 है तो उसकी इससे कम तो हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या ये कोई दिखावा है या कोई जेलसी अंदर से है? आपको प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है या सिर्फ दिखावे की हद तक ही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरे से ज्यादा बढ़कर दिखाएंगे तो शायद हमारा दुनिया में एक आला मुकाम हम पे नजर आएंगे या हमारी लोग इज्जत ज्यादा करेंगे? या अपने जैसे दो आपने मसाले दिए, एक आपने कल्टस की और होंडा की बात की और इसी तरह आपने जो तनख्वाह के हवाले से बात की है कि एक की 4,500 है बढ़ गई है और एक की 5,000 बढ़ जाती है तो वो उससे जो है, क्या ये कोई ऐसा इसमें होता है कि वो किसी दूसरे से बढ़ना चाहता है या वो मेहनत किए बगैर आगे निकलने की कोशिश करता है? तो सब इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो ये है कि हम लोगों ने हर चीज, हम समझते हैं कि हमारा सुकून, हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की सिर्फ और सिर्फ पैसा ज्यादा कमाने से है जी। हालांकि ऐसा नहीं है, पैसा जरूरत हमारी जरूर है जी। लेकिन जब हम हर चीज के लिए अपना इस पैसा को जब समझ लेंगे तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे। फिर थोड़ा जेलसी फैक्टर भी आता है, ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो इसकी मतलब कई वाकयात हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा जी। तो मकसद ये है कि जब हम इस कंपैरिजन में आते हैं ना, और हमारी ये रूटीन लाइफ में हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है जी। वो जैसे एक छोटा सा एक इंस्टांस में सुनता हूँ, एक जस्ट लाइक जोक ही है कि वो जहन्नम के ड्यूटी दे रहा था दरम्यान में और जन्नत के दरम्यान में फरिश्ता एक जी। तो किसी ने पूछा कि जी आप यहाँ क्यों खड़े? उन्होंने कहा कि जी ये जो जहन्नम के कुछ लोग है ना, ये जन्नत तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको धक्का दे के नीचे गिरा देता हूँ। तो कुछ दरमियान में एरिया था, उसने कहा कि यहाँ कोई फरिश्ता नहीं खड़ा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है, एक ऊपर चढ़ेगा दूसरा टांग खींच के खुद ही नीचे ले आएगा, तो लिहाजा ड्यूटी की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस हद तक एक अप्रोच मतलब हमारे बारे में पाई जाती है जी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इस तरह की ये मजाहिया बात तो है हमारे, और लेकिन हमारे यहाँ अगर मुआशरे में देखा जाए तो हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त का हमारे अंदर जो है वो अंसर बहुत कम है और हम एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम मेहनत भी नहीं करना चाहते और जो मेहनत कर रहा होता है उससे हम जेलस भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे मामला जो है वो हमें देखने मिलते हैं। लेकिन सर बिल्कुल हमारे किसी सामने ने हमें जो है वो कहता हमें कॉल की है, हम देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयरा शेख है जी। क्या कहना से सवाल है जी, आपको बचपन से क्या बनने का शौक था? वेरी गुड,
बिल्कुल आप सुने, अभी उनसे हम पूछते हैं कि उन्हें बचपन से क्या बनने का शौक था। आयरा रशीद जी, बिल्कुल जी, हमारी रेगुलर हमें कॉल करती हैं और मुख्तलिफ सवालात पूछती हैं, लेकिन आज उन्होंने, क्योंकि आपने कुछ खुश्क सा, बहुत ज़्यादा ही खुश्क मौजू आ गया, अगरचे हमारे ओपन फोरम में जो है ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात ही होती हैं, उनका मौजू भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम मोरालिटीज़ पर और अखलाकियात पर और फिर वो साथ बीच में जो है वह नफ्सियात पर भी, तो उन्होंने ये पूछा कि एक तरफ आप बैंकर भी हैं, एक तरफ आपको कालम नवीस भी हैं, और साथ आपने एक मोरालिटीज़ के नाम से एक अदारा भी किया हुआ है, तो आप बचपन में बनना क्या चाहते थे? जी, मैं बचपन से यही था कि मैं एक ऐसा, मतलब इस फील्ड में आ जाऊं कि सोशली लोगों से इंटरेक्शन भी रहे और दूसरों के लिए जो कुछ अल्लाह ताला हिम्मत और मौका दे उतनी को उनके लिए मदद कर सकूँ, किसी भी हवाले से, वो अल्फाज से हो सके, वो फिनंशली हो सके, तो उसके लिए जितनी हो सकती है वो अल्लाह ताला जितनी कीमत देता है वो हम इंशाल्लाह करते रहते हैं हर लिहाज से। जी, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जी, आप कॉल कर सकते हैं 0442521105 पर, 0442521105। ओपन फोरम में इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जनाब एजाज अली साहब, और जैसे कि वो मैं पहले भी जिक्र करके हटाऊं कि उन्होंने जो मोरालिटीज़ के नाम से अदारा कायम किया है वो बिल्कुल हम लोगों के लिए किया है, इस मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए किया है। हम देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अरफा रशीद है। जी अरफा, मेरे अंकल से सवाल करना है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है? जी बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहिए रेडियो आवाज FM 105.4। हम बिल्कुल एजाज अली साहब से पूछते हैं क्योंकि वो खूबसूरत बातें करते हैं, तो ये सवाल मेरा भी बनता था, बच्ची ने भी पूछ लिया, और इसके लिए मैं अरफा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पर्सनैलिटी के वाले, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत बातें हैं, तो जारी बात है बचपन में इंसान किसी से मुतासर होता है, फिर कुछ लाइफ गुजरने के बाद जो है वो कुछ और हमारे सामने जो है वो लोग सामने आते हैं, तो फिर हम उनसे भी मुतासर। आप किससे, किस लाइफ में, किस जिंदगी के किस लम्हे में आप किसी से ज़्यादा मुतासर हुए? तो सब, मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ हूँ अपने, एक तो हमारे अगर खुलफाए राशिदीन हैं और ये चीज़ें तो हैं, इनको तो ज़ाहिर है कि वो तो हमारे लिए मतलब आला हस्तियाँ हैं, ज़ाहिर है उनका तो हम अपने से कम सोच नहीं सकते वहाँ तक पहुँचने की। उनके बाद मैं जो ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ या जिसको मैं अपना आइडियल समझता हूँ, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। उनका जब से मैंने ये नारा पढ़ा था ना, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, तो इसके ऊपर जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा कि ये एक छोटे से नारे के अंदर सारा कुछ समो दिया है, यूनिटी भी, फेथ भी और डिसिप्लिन भी। और ये तीनों चीज़ें जिस दिन हमारे मुल्क में इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो फिर जिन मसाइल से आजकल हम दो चार हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ना तो यूनाइटेड हैं, डिसिप्लिन की सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग डिसिप्लिन में चलें। और आमतौर पे वैसे मशहूर है कि जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन आ जाता है, जब मुल्क के अंदर आते हैं तो हमें डिसिप्लिन जो है ना वो पूरा लगता है। फेथ के भी मसाइल हैं हमारे, मतलब हम नारे तो बहुत लगाते हैं लेकिन जब फेथ की बात आती है या अमल का वक्त आता है तो शायद हम उस लेवल पर नहीं आते। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो नारा है हमारे जो कायदे आज़म हैं, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, इससे मैं हमेशा से मुतासर रहा हूँ और इसको कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक हो सके, जब आप एक्चुअली किसी को आइडियल या अपने फेवरेट पर्सनैलिटी कहते हैं तो फिर सिर्फ कहना नहीं होता, असल चीज़ होती है कि जो उनका करैक्टर है पहले तो उनका हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली जो आजकल मसाइल आ रहे होते हैं कि हम एक बंदे को देखते हैं और फर्स्ट लुक में ही उसको कह देते हैं कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और ये मेरा आइडियल है, तो आइडियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, आपको आइडियल का करैक्टर क्या है, वो करता क्या है, जो कहता है उसके मुताबिक उसकी अपनी एफिलिएशन क्या होती है, तो आप असल उसकी जो टीचिंग्स होती हैं, उसका जो करैक्टर होता है उसको आप फॉलो करते हैं, तो तब आप, मैं समझता हूँ कि वो आपके एक अच्छे आइडियल। बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। सर, ये जो डिसिप्लिन की आपने बात की है और ख़ास तौर पे उससे पहले आप फरमा चुके हैं रोड के हवाले से,
جو بات کی اس میں ہماری نفسیاتی بیماریوں کا بھی ذکر ہوا, تو روڈ پر جو ہم نکلتے ہیں اس میں ڈسپلن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, ہماری لائف میں بلکہ کہیں پر بھی ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آتا. یہ ہمارا المیہ ہے, اس معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں ڈسپلن نظر. بالکل پہلے ہم کال لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. مدر جی صاحب, اجاز صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سر سے سوال ہے جی کہ آپ کا شعبہ بینکنگ ہے تو آپ کالم نگاری کی طرف کیسے آئے؟ جی بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا, یہ اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے آپ کو. بالکل سنتے رہیے ریڈیو آواز ایف ایم 105.4. ہمارے ساتھ ہیں اجاز علی صاحب. میں جو بات کر رہا تھا سر وہ بھی آپ نے, جو بچی نے سوال کیا ہے اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے, میرا اس سوال کا بھی جواب آپ نے دینا ہے کہ جو ڈسپلن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں ٹریفک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو مہذب قومیں ہیں وہاں اصل پہچان ان کی جو ہے وہ ٹریفک سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ٹریفک کا, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں یہاں تک تو بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور یہاں سے واپسی پر جب گھر جاتے ہیں تو شاید خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ بچ کے نکلیں. ہمارے یہاں جو ہے موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل رکشہ آ گیا, پھر دوسرا رکشہ جو ہے جسے آٹو رکشہ ہم بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کاروں والے جو ہیں وہ تو موٹر سائیکلز والے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وہ میرے خیال میں, میں نے اگر کسی کار والے کے ساتھ سفر کیا ہوگا تو وہ سارے رستے جو ہے وہ ان کو برا بھلا ہی کہتا گیا موٹر سائیکل والے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل جی کال پہلے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرے خیال میں جی بات نہیں کر رہے تھے, آگے نمبر مل گیا ان کا لیکن وہ آگے سے بالکل کال. جی بالکل کال ایک اور آ رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ امیر حمزہ بول رہا ہوں. جی امیر حمزہ صاحب کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز, ہمارے ساتھ اجاز علی صاحب ہیں. کیا سوال کرنا چاہیں گے اجاز علی صاحب سے؟ میں گانا سننا چاہتا ہوں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ گانا. اچھا یہ گانے کا